बारिश के पानी में कागज के नाव तू। तो कैसे हो आप लोग, उम्मीद करता हूँ मजे में होंगे। तो दोस्तों, प्रीव्यू में आपने वीडियो देख लिया, तो लेडीज इफेक्ट इसका रिक्वेस्ट वीडियो है गाइज। तो इसका कई दिनों से वीडियो के लिए बोला जा रहा था, तो मैं उसी का ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ। तो गाइज मैं इसका XML प्रीसेट आपको प्रोवाइड कर दूंगा, प्रीसेट डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, XML आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप जिसका यूज़ करना चेक कर सकते हैं। तो गाइज फुल एडिटिंग में बताने वाला, अगर देखते हैं तो भी आप आसानी से एडिटिंग कर पाएंगे, काफ़ी ईजी एडिटिंग है गाइज। तो चलिए मैं एडिटिंग आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इलेक्ट्रोमोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा, देन ओपन करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिए, 9:16 रेशियो सेलेक्ट कीजिए, रेजुलेशन 10 रखिएगा, फ्रेम रेट 60 या 30 रख लीजिए, बैकग्राउंड कोई भी करके क्रिएट फोटो पे क्लिक कीजिएगा, प्लस के आइकन पे क्लिक करके मीडियम देगा, देन जो भी फोटो पे एडिटिंग करना चाहते हो उस फोटो को सिंपली सेलेक्ट कर लीजिए। तो गाइस कुछ फोटो मैंने डाउनलोड करके रखा था पिंटरेस्ट से, तो इस टाइप का कोई सा भी फोटो आप डाउनलोड कर लीजिए, डबल लेयर वाला फोटो सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाता है पिंटरेस्ट पे, तो वहाँ से ले लीजिए, फिल कंपोजिशन कीजिएगा, देन इसे एडजस्ट कर लीजिएगा, जहाँ पे भी रखना चाहिए वहाँ पे आप कर लीजिएगा। इसके बाद स्क्रीन पे टैप कीजिए, प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिए, ये वाला रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लीजिएगा, करने के बाद इसका कलर यहाँ पे जाकर और ब्लैक कर दीजिएगा इस तरह से, ठीक है। देन यहाँ से बैक आइएगा, इफेक्ट में जाइएगा, ऐड इफेक्ट में जाइएगा, यहाँ पे आपको ब्लर में जाकर गेशन ब्लर को सिलेक्ट करके देन स्टैंडर्ड सेटिंग करके और इसको इस तरह से बढ़ा देना तो हल्का शैडो जैसा मिल जाएगा। फिर यहाँ से बैक आइएगा, ये वाले पॉइंटर को अगर इस तरह से आप कर देंगे तो थोड़ा सा लंबा टाइप का हो जाएगा। फिर जहाँ पे टेक्स्ट आप रखने वाले वहाँ पे इसे रख लीजिएगा, देन स्क्रीन पे टैप कर दीजिए और प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे ऑडियो में चले जाइएगा, जो भी ऑडियो पे स्टेटस बनाना चाहते हो उस ऑडियो को सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए तब तक के लिए मैं इस वाले ऑडियो को सिलेक्ट कर ले, तो मेरे बैकग्राउंड फोटो से मैच कर रहा है सॉन्ग। अब लास्ट में आ जाएंगे, लास्ट में आने के बाद यहाँ से ये दोनों को सिलेक्ट करके और लास्ट कर लेंगे, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब स्टार्टिंग में आकर स्क्रीन पे टैप कीजिएगा या बैक के बटन को प्रेस कर लीजिएगा, प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिए, टेक्स्ट में जाइएगा, देन टेक्स्ट में जाने के बाद कहीजिए यहाँ पे आपको इमोजी वगैरह जो भी आप लगाना चाहते हो उसे ले लेना है। तो मैं यहाँ से तब तक के लिए 1-2 इमोजी ले लेता हूँ, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने 3 इमोजी लिए। अलाइन करेंगे, रोबोट पे जाकर iOS वाला फॉन्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, सेलेक्ट करने के बाद इसका साइज वगैरह एडजस्ट कर लीजिएगा, करने के बाद यहाँ पे कलर पे क्लिक करके इसका कलर यहाँ से ट्रांसमिट कर दीजिए, देन राइट क्लिक कर लीजिएगा, करने के बाद मूव करके आप इसे जहाँ पे भी रखना चाहते हो रख लीजिए। तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ इस तरह से, देन यहाँ से बैक आकर प्लस का क्लिक करेंगे, टेक्स्ट में देंगे, यहाँ पे आप अपना यूजर आईडी वगैरह जो लगाना चाहते हो उसे ले लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ MK Singh SINGH _ और 1051 का ये मेरा यूजर आईडी है। आप इसे गूगल पे भी सर्च करोगे तो मेरा जो आईडी है मिल जाएगा, ऐसे गूगल पे अगर नहीं भी आएगा क्योंकि नया हो सकता है तो नहीं आएगा। तो गाइस कोई भी फॉन्ट आप सेलेक्ट कर लीजिए जो फॉन्ट आप लेना चाहते हो, चलिए मैं इसे रहने देता हूँ, देन राइट क्लिक करके यहाँ से जूम आउट कर लेंगे और नीचे की तरफ यहाँ पे सेट कर देते हैं। ये लोगो है तो गाइस आप इसे लोगो को कहीं पे भी लगा सकते हैं, अच्छे से एडजस्ट कर लीजिएगा। अब गाइस आपको क्या करना है, ये दोनों को लास्ट तक कर देना, तो यहाँ से सेलेक्ट करके लास्ट तक कर लीजिए। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये इमोजी और लोगो जो आप लगाते हैं उसे सबसे नीचे ही लगाइए कि सॉन्ग के पास में, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो फ्लैश जो फुल स्क्रीन फ्लैश जो जिसके लिए मुझे बोला गया था, तो जब ये दोनों ऊपर आते तो फ्लैश सही से काम नहीं करता है, ठीक है। तो आप इतना कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको गाइस क्या करना है, एक एक वर्ड को सुनकर और टाइप कर लेना है ताकि इफेक्ट देने में आपको आसानी हो। तो मैं प्ले करके देख लेता हूँ, फर्स्ट लाइन का वर्ड क्या और कहाँ तक है, बारिश के यहाँ तक आ, ओह सॉरी ये थोड़ा आगे चला गया, यहाँ तक आ रहा है मेरा फर्स्ट लिरिक्स और यहाँ से स्टार्ट हुआ बारिश के पानी में। तो प्लस के आइकन पे क्लिक करें, टेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे बारिश के, ठीक है, अलाइन करेंगे, रोबोट टूल पे जाएंगे और एक फॉन्ट मैं आपको बताता हूँ, उस फॉन्ट को आपको ले लेना है, तो PI और ये देख सकते हैं यहाँ पे पिक्वी माई इंटरेस्ट TTF करके आपको गूगल पे सर्च करना, तो ये वाला फॉन्ट मिल जाएगा, इस फॉन्ट को ले लीजिएगा। फॉन्ट लेने के बाद कुछ इस तरह से आएगा, इसका साइज आपको एडजस्ट कर लेना है तो 30 के अकॉर्डिंग रख लीजिए, 32 रख लेते हैं, देन इसका कलर यहाँ पे व्हाइट कर दीजिए और राइट क्लिक कर लीजिए, करने के बाद इसे मूव करके और यहाँ पे रख लीजिएगा। देख सकते हैं इस तरह से जो इमोजी आप लगाए हैं उसके ऊपर में जस्ट रख लीजिएगा। अब जहाँ तक आपका टेक्स्ट है वहाँ पे जाइए और जो एक्स्ट्रा होगा उसे कट कर दीजिए, कट करने के बाद इसे बीट जो हम लगाए थे उसे हटा देता हूँ मैं और इस पर आप इफेक्ट देना है। सो इफेक्ट देने के लिए आपको इसे सेलेक्ट करना है, इफेक्ट में जाना है, ऐड इफेक्ट में जाना है, ब्लर में जाना है, यहाँ पे आपको डायरेक्शनल ब्लर दिखेगा, इसे सेलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग कर लीजिएगा। स्टार्टिंग में अगर एक की लगा लीजिएगा, की लगाने के बाद आपको दरमियान में चले जाना है, एकदम से बीच में आ जाइएगा और एक की लगा लीजिए, की लगाने के बाद यहाँ पे इसे 0 कर दीजिए, दोनों के बीच में आइएगा और ये वाले ऑप्शन को टैप करके ऊपर ले लीजिएगा और इधर ले लीजिएगा, ठीक है। दरमियान में आने के बाद ही कर्व वाला ऑप्शन दिखता है, तो इस तरह से आप कर लीजिएगा। मैंने ऐसे बैक आइएगा, आप डायरेक्शनल ब्लर पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बैक चला जाएगा। ऐड इफेक्ट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको बीच में सर्च वाले ऑप्शन पे जाकर यहाँ पे सर्च कर लें पिंच, तो आपको पिंच बल्ग करके एक इफेक्ट मिलेगा, इसे सेलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग कर लीजिएगा। देन पिंच बल्ग को ओपन कीजिए, कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ पे स्ट्रेंथ देख सकते, स्ट्रेंथ को ओपन कर लीजिएगा। इसके स्टार्टिंग में अगर एक की लगाइएगा, की लगाने के बाद इसे प्लस में 1 कर लीजिएगा, फिर दूसरी साइड में चला जाइएगा, इसके दूसरे साइड में पूरा लास्ट वाले पे और एक की लगा लीजिएगा, की लगाने के बाद इसे आपको 0 कर देना, पूरा बीच में सॉरी 0 कर
लीजिए इस तरह से, एंड दोनों के दरमियान में अगर एक और वाले ऑप्शन टैप करके और इसे ऊपर कर दीजिए और इसे ऊपर कर दीजिए कुछ इस तरह से, देन इसे बैक आइएगा, रेडियस पे जाइएगा, रेडियस को पूरा फुल कर दीजिएगा इस तरह से, और पिंच बल्ब पे क्लिक करेंगे बैक चला जाएगा, या ऐड फिर पे गाइस क्लिक कीजिएगा, ब्लर में जाइएगा, ब्लर में जाने के बाद मोशन ब्लर को सिलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग कर लेना, देन कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ से ऐड फिर पे क्लिक कीजिएगा, ब्लर में जाइएगा, यहाँ पे जूम ब्लर करके एक इफेक्ट दिखता है इसे सिलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग कर लीजिएगा, देन यहाँ पे जूम ब्लर पे क्लिक करना है बैक ओपन हो जाएगा, स्ट्रेंथ पे जाइएगा इसे ओपन करके और एक की लगा लीजिएगा स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में जो की लगाएंगे उस पर उसे ऑन कर लीजिएगा, फिर दरमियान में इसके आ जाइएगा ये जो बीच में है और यहाँ पे की लगाइए, की लगाने के बाद इसे जीरो कर दीजिएगा पूरा जीरो, देन इसके दरमियान में आकर कॉर्फ पे जाइएगा और कॉर्फ को यहाँ पे इसे पूरा फुल कर दीजिए कुछ इस तरह से जैसे मैंने कर दिया, यहाँ से बैक आ जाइएगा, जूम ब्लर पे क्लिक कीजिए बैक चला जाएगा, अभी आपको यहाँ पे ऐड फिर पे क्लिक करना है, कलर लाइट में जाना है, एक्सपोजर गामा करके एक इफेक्ट दिखता है इसे सिलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग कर लेना है, देन एक्सपोजर गामा को ओपन कीजिएगा, करने के बाद इसके स्टार्टिंग में आकर एक की लगा लीजिएगा, की लगाने के बाद गाइस इसे पूरा फुल कर दीजिएगा, देन इसके लास्ट में चले जाइएगा पूरा लास्ट में यहाँ पे, और यहाँ पे एक की लगाकर इसे जीरो कर, सॉरी माइनस में भी है तो इसे हमें जीरो रखना है, बस जीरो कर दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जीरो कर दिया, देन दोनों के दरमियान में आकर एक वाले को इधर और ये वाले को इधर कर दीजिएगा, जैसे देख सकते हैं कॉर्व को आपको इस तरह से लगा देना है, देन यहाँ से बैक आना है, एक्सपोजर का वहाँ पे क्लिक करना है, बैक चला जाएगा, जूम ब्लर पे जाकर इसका थ्री डॉट पे क्लिक करके एक डुप्लीकेट कर लीजिएगा, यहाँ पे जूम ब्लर को ओपन कीजिएगा, ओपन करने के बाद स्ट्रेंथ में इस की को लेकर बीच वाला जो की है इसे लेकर पूरा इस साइड में कर दीजिएगा, और स्टार्टिंग में जो की लगा हो इसे 0.60 कर दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं पूरा 60 कर दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, ये रहा, ठीक है, इतना 60 कर दीजिएगा, देन दोनों के बीच में जाइए, कॉर्ब वाले ऑप्शन को टैप करके देख लीजिए, कॉर्ब लगा हुआ है तो हमें कोई परेशानी ही नहीं है, अब यहाँ से बैक आ जाइए, बैक करने का जूम ब्लर पे क्लिक कीजिए बैक चला जाएगा, अभी आपको एक्सपोजर गामा पे जाकर थ्री डॉट पे क्लिक करके इसका भी डुप्लीकेट कर देना है, एक्सपोजर गामा को छोड़ दीजिएगा, अब यहाँ पे ऐड फिट पे क्लिक कीजिएगा, और एक्सपोजर गामा को छोड़ने का मतलब है कि उसमें कुछ चेंजेस नहीं करने, बस डुप्लीकेट करके रख दीजिएगा, अब यहाँ पे टेक्स्ट में जाइए, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग कर लीजिए, देन कुछ इस तरह से आएगा, इसे आप ओपन कर लीजिएगा, ओपन करने के बाद टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे, सॉरी यहाँ पे रेंज पे क्लिक करना है, तो कुछ इस तरह से आएगा जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो स्टार्ट जीरो है ही, एंड को भी जीरो कर दीजिएगा, पूरी तरह से जीरो कर दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे ये होगा, देन नीचे अगर फेज पे देखेंगे तो फेज पे आपको स्टार्टिंग में अगर एक की लगा लेना है, ये जीरो पर आएगा और इसके लास्ट में आ जाएगा पूरा लास्ट में यहाँ पे, और यहाँ पे की लगा लीजिए, की लगाने तो माइनस में इसे 100 कर दीजिएगा, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने कर दिया, नीचे स्क्रॉल करेंगे, ट्रांसफॉर्म पर जाएंगे, ट्रांसफॉर्म में लेयर सेलेक्ट है रहने दीजिएगा, और इसके बाद एक्स वाई जो देख सकते ऑफसेट का, तो वाई पे क्लिक कीजिए, वाई को माइनस में 10 कर दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस 10 कर दीजिएगा, ज़्यादा नहीं बस 10, ठीक है, ये हो गया, एंगल जैसा वैसे ही छोड़ दीजिएगा, और इस सब को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको विजुअल एट्रिब्यूट्स जो है इससे कुछ नहीं करना है, ये ऐसे ही रहेगा, छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे जो इंटरपोलेशन एंड एजिंग जो है इस पर क्लिक कीजिएगा, एज को इन को कर दीजिएगा 100, आउट को कर दीजिएगा -100, देन ओवरलैप जो है इसे 200 कर दीजिएगा, ठीक है, पूरा 200 कर लीजिएगा, ये ज़्यादा हो गया थोड़ा सा, इसे 200 कर लेंगे, 200 करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, यहाँ से इसका काम हो गया, अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है, बैक चला जाएगा, अभी आपको ऐड फिर पे क्लिक कर देना है, ब्लर में जाना है, मोशन ब्लर को सिलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग कर लीजिएगा, देन मोशन ब्लर को ओपन कीजिएगा, इसके ट्यून को पूरा 4 कर दीजिएगा, मोशन ब्लर पे क्लिक कीजिए बैक चला जाएगा, यहाँ पे आपको ऐड फिट पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे आपको प्रोसीड्यूल में चले जाना, प्रोसीड्यूल में जाने के बाद स्ट्रिप्स को सिलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है, देन कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, सॉरी स्ट्रिप्स को ओपन कर लीजिएगा, काउंट को 0.5 कर लीजिएगा, विथ से क्लिक करके इसे 0.12 कर दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे मेरा लाइट कट गया, अंधेरा की वजह से थोड़ी सी परेशानी हो रही है, तो 12 करने के बाद आपको नीचे आ जाना है, फेज पे क्लिक करना है, फेज पे लास्ट में एक की लगा लीजिएगा, और फिर स्टार्टिंग और दरमियान के बीच में आ जाइएगा, मतलब स्टार्ट और दरमियान के बीच में एक की लगा लीजिएगा, ठीक है, और गाइस यहाँ पे आपको इसे 0.80 कर देना है, ठीक है, 0.80 कर लीजिएगा पूरी तरह से, स्ट्रिप्स को 0.80 कर दीजिएगा यहाँ पे, और फिर इस साइड में आ जाइएगा, ओह सॉरी पूरा लास्ट में ही मैं चला गया, इस साइड में आने के बाद गए यहाँ पे 125 कर दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे 125 कर लीजिएगा, ये रहा, देन यहाँ पे कलर पे जाइए, कलर यहाँ पे गोल्डन सेलेक्ट कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा येलो हो गया गाइस, तो इसे हम गोल्डन कर देते हैं ये वाला, ठीक है, और इसे पूरा फुल कर देंगे, देन यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे स्मूथिंग आ गया, स्मूथिंग पे क्लिक कीजिएगा, इसे 0.35 कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 0.35 पूरा कर देना है, देन यहाँ पे स्ट्रिप्स क्लिक करना है, बैक चला जाएगा, वैसे भी हमारा एडिटिंग कंप्लीट हो चुका है, जो कि कुछ इस तरह से इंटरफेस है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे फुल स्क्रीन फ्लैश यहाँ पे आपको देखने को मिला होगा, फुल स्क्रीन पे फ्लैश आता है इस तरह से, ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका बैकग्राउंड मेरा व्हाइट टाइप का है तो उतना अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो हम इसका जो ओपेसिटी है थोड़ा सा कम कर देते हैं, कम करने
के बाद बैकग्राउंड जो यहाँ पे हमारा है उसे ब्लैक सेलेक्ट कर लेंगे तो थोड़ा सा डार्केबल दिखेगा। अब आप देखेंगे तो फ्लैश जो इसका है पूरे स्क्रीन पे दिखेगा इस तरह से। अब गाइस इसका काम हो गया तो आपको क्या करना है, ये वाले को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और कॉपी लेयर कर लेना है, देन इस साइड में स्क्रॉल करना है। करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दीजिएगा और ये वाले ऑप्शन टाइप करके यहाँ पे पेस्ट लेयर कर लीजिएगा। करने के बाद प्ले करके चेक कर लीजिएगा कि नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है, पानी में यहाँ तक आ रहा है, तो सिंपली इसे सेलेक्ट करेंगे, ड्यूरेशन में क्लिक करके आगे खींच लेंगे। अब इसका जो वर्ड है उसे चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे जो लिखा है उसे क्लियर कर देंगे। क्लियर करने के बाद यहाँ पे टाइप करेंगे पानी में, ठीक है, देन यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। इसी तरह से फिर नेक्स्ट वर्ड के लिए आपको आगे आ जाना, जहाँ पे ये खत्म हो रहा है इस तरह से हल्का सा स्पेस छोड़ेंगे और ये पे क्लिक करके पेस्ट क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट वाला वर्ड क्या है उसे हम प्ले करके सुन लेंगे, कागज़ की, यहाँ ये तक आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ तक आ रहा है, तो सिंपली यहाँ पे आएंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे, ड्यूरेशन पे क्लिक करके आगे का कट कर देंगे और यहाँ पे हमारा जो वर्ड है उसे टाइप कर लेंगे। तो यहाँ पे है कागज का गज की, ठीक है। तो इसी तरह से आपको पूरा लिरिक्स कंप्लीट कर लेना लास्ट तक, देन कंप्लीट हो जाने के बाद कोई पार्टिकल लगाना चाहे तो लगा लीजिएगा, अदरवाइज ऊपर जो एरो दिखता है उस पर क्लिक करके एक्सपर्ट पर क्लिक कर दीजिएगा, ये आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, इसी तरह का और भी एडिटिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पूरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।